जो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का मिलता है यहाँ पर, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या मिलता है आपको? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो मुख्यालय की बात करें तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग वर्तमान समय में मुख्यालय कहाँ पर है आपका? इसका दोस्तों मुख्यालय है आपका जे एल एन मार्ग, कहाँ पर है आपका? जे एल एन मार्ग गांधीनगर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है ये आपका? गांधीनगर जयपुर में है, ठीक है। जो इसका मुख्यालय किसका है, किसके बात करें अपन, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की बात करें, मुख्यालय जे एल एन मार्ग गांधीनगर जयपुर में। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछे आपको, क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्या बनता है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, क्वेश्चन क्या बन सकता है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग वर्तमान समय में किसके परिसर में संचालित हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बन सकता है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग वर्तमान समय में किसके परिसर में संचालित हो रहा है? तो किसके परिसर में संचालित हो रहा है आपका? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ठीक है। राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के परिसर में क्या हो रहा है? संचालित हो रहा है। थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं दोस्तों इसके नोडल अधिकारी, किसकी बात करें आपके, इसके बात करें दोस्तों आपके नोडल अधिकारी की, कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का वर्तमान समय में नोडल अधिकारी कौन है? तो दोस्तों जो नोडल अधिकारी कौन है आपका, ममता शर्मा, ठीक है। नोडल अधिकारी कौन है आपके वर्तमान समय में आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का? दोस्तों ममता शर्मा है, ठीक है। दोस्तों छोटा सा टॉपिक था आपका एक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, इस टॉपिक को अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसका एक और दोस्तों एक और वीडियो लेके आएंगे जो कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का होगा, इससे अपन थोड़ा सा और डीपली और पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में 2016 में आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग से कम दो या तीन या चार क्वेश्चन बन के आए थे 2019 में। ओके, थोड़ा सा डीपली बना नहीं क्वेश्चन, अगर आपकी बार पेपर बनता है तो यहाँ से आपके एग्जाम के लिए चांस है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनने के चांस है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों कुछ भी आपको इसमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन है कि सर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट करके मेरे को बताइए, अगले वीडियो में आपको इसको मैं और भी आपका जो समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं लेके आऊंगा।